बच्चों आज आपां रेखा रेखाखंड अते किरण विचले अंतर नूं समझांगे। इत्थे इस अंतर नूं समझण लई सब तों पहलां आपां नूं बिंदु बारे पता होना जरूरी है। बिंदु जिसनूं कि इंग्लिश दे विच पॉइंट कहिंदे ने। अगर आपां बिंदु नूं नोटबुक ते दर्शाउणा होवे तां बिंदु दा निशान ए हुंदा है। ए है बिंदु। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਊੜਾ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਐੜਾ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਈਡੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਏ ਰੱਖ ਲਓ, ਬੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਓ ਰੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਨੂੰ लाइन सेगमेंट, ते किरण नूं रे, ते बिंदु तुहानूं पता ही है कि पॉइंट बोलदे आ। हुण तुहानूं बिंदु बारे पता चल गया। बिंदु नूं आपां दर्शाउणे आ इस निशान नाल, ते इहदे आपां नाम कोई भी रख सकदे आ पंजाबी दे अक्षरां दे विचों जां इंग्लिश दे अल्फाबैट दे विचों। आपां इहदा कोई भी नाम रख सकदे आ। हुण आपां वधदे आ सब तों पहलां रेखा खंड नाल। रेखा खंड यानी कि लाइन सेगमेंट। अगर मैं बोर्ड ते दो बिंदु लगा दवां ते एक ए, इहदा मैं नाम रख दिंदी आ ए, ओ वाले पॉइंट दा नाम रख दिंदी आ बी। हुण मैं इस ते एक लाइन खिंच दिंदी आ, इहनां पॉइंट्स नूं मिला दिंदी आ। हुण बच्चो मैनूं दसो ए दो पॉइंट्स नूं मिला के जो ए बनी है लाइन, ए सीधी रेखा बनी है जेडी, इहनूं आपां माप सकदे हां ना स्केल नाल। आपां नूं पता, आपां इहदी लंबाई देख सकदे हां किन्नी क लंबाई है। आपां नूं पता वी इन्नी ही है। इहदे दो सिरे ने, ए निश्चित ने सिरे, इहदी आपां लंबाई माप सकदे हां। जिहदी आपां लंबाई माप सकदे होईए, जिहदा लंबाई निश्चित होवे, दो सिरे निश्चित होण, दो पहला पॉइंट ते दूसरा पॉइंट दोनों फिक्स होण, उहनां नूं बोलदे ने रेखा खंड। ए होगी हुण, इसका नाम की रखा जाएगा रेखा खंड ए बी। रेखा खंड ए बी ते नाल दी नाल इहनूं तुसीं ए बी नूं बी ए भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पैंदा। बी ए क्यों नहीं फर्क पैंदा, नाम चाहे ए बी लिखिए चाहे बी ए लिखिए, क्योंकि इस रेखा खंड दे दोनों सिरे निश्चित ने। आपां नूं ए भी पता है ते आपां नूं बी भी पता है कि ए इत्थों शुरू हुंदा है बी इस बिंदु तो शुरू होंगे। सो ए है रेखा खंड। हुण आपां चलदे आ रेखा जिसनूं की कहिंदे आ लाइन। बच्चो रेखा खंड दे विच आपां करिया सी वी इहदे दोनों सिरे निश्चित हो गए, पर रेखा दे विच कोई भी सिरा निश्चित नहीं होता, ठीक है। जिवें कि रेखा नूं दर्शाउण इस तरह दर्शाया जांदा है, मतलब वैसे तो आपां रेखा नूं दर्शा नहीं सकदे क्योंकि इहदी लंबाई निश्चित नहीं हुंदी, पर इहनूं बुक्स दे विच इदां दर्शाया जांदा तीरां दे नाल, दोनों साइड्स ते तीरां दे निशान लगा के। इहदा मतलब की हुंदा बच्चे, इहदा आपां उहदे पॉइंट रख लैंदे ए, इत्थे बी, सिर्फ ये सानू समझाने लिए है। रेखा नूं वैसे आपां दर्शा नहीं सकते। देखो इहदा मतलब तीरां दा मतलब ए हो गया कि इस पॉइंट नूं ए बिंदु नूं आपां जिथे मर्जी तक ले जा सकते हैं, जिथे मर्जी तक। इहदा कोई माप नहीं हैगा, अनंत वल। अनंत मतलब अनंत की हुंदा जिसका कोई अंत ना होवे। ए पॉइंट नूं आपां जिन्ना मर्जी अगे तक वधा सकते हैं। बोर्ड मेरा खत्म हो जूगा, देखो बोर्ड खत्म हो जाना है, पर मैं इस तों अगे लाइन नूं ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਮਰਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੀਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਅਨੰਤ ਤੱਕ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਫਰਕ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਤੇ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸਿਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੰਬਾਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਪਰ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਰੇਖਾ ਤੇ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ
मोटाई नहीं होंगी, चौड़ाई मोटाई ना तो रेखा खंड की होंगी है ना ही रेखा की होंगी। रेखा खंड की लंबाई होंगी है निश्चित होंगी है, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होंगी। इसनूं आपां रेखा नूं सही तरीके नाल दर्शा वैसे नहीं सकते, एक तुहानूं समझाउण लई बुक्स के उत्ते तीरां की सहायता नाल इसनूं समझाया जाता है। ठीक है बच्चे, बच्चो इस रेखा का हुण नाम आपां किवें लिखांगे, जे लिखना होवे रेखा ए बी, जे रेखा ना लिखना होवे तां रेखा का निशान पा दिंदे आ पैदा नीचे निशान पा के, पर ए बी ते इहनूं आपां बी ए भी लिख सकते क्योंकि इहदा कोई एंड पॉइंट तो है नहीं, जिन्ना मर्जी बढ़ा सकते बी ए भी लिख सकते हैं ए बी भी लिख सकते हैं। हुण आपां वधदे आ रे वल, रे दे विच बच्चो आपां नूं इक सिरा दित्ता हुंदा है यानी कि एक पॉइंट का फिक्स हुंदा कि ये इत्थे है। ठीक है, उस तो बाद दूसरे सिरे वाल तीर का निशान लगाना पड़ता। हुण तुसीं समझ ही गए होंगे कि तीर दे निशान का की मतलब है। तीर दे निशान का मतलब हो गया कि इस नूं इस इधर तो फिक्स हो गया, इधरों नहीं आपां वधा सकते, जिथे पॉइंट आ गया आपां इधरों नहीं वधा सकते, पर इधर इस पॉइंट ते तीर का निशान लग्या होया है तां इट मीनस आपां इस लाइन नूं उस दिशा वल इधरली दिशा वल जिथे मर्जी तक ले जा सकते हो, अनंत दूरी वल ले जा सकते हो। ठीक है, इसे तरह इहदा उल्टा भी बना सकते हो, इधर आपां नूं पॉइंट दित्ता ठीक है जी, इधर तीर का निशान लगाता इहदा की मतलब हो गया इधर का पॉइंट फिक्स है बिंदु, इहदा एक सिरा तां फिक्स है दूसरा सिरा फिक्स नहीं हैगा, इहनूं आपां अनंत दूरी वल वधा सकते हो। हुण इहनूं बेटा हुण मैं इहदा नाम लिखदा ए ते बी, ठीक है इधरों मैं लिखदा बी ते ए, इस फर्क नूं ध्यान नाल समझो, इह दोने अलग अलग रेज ने किरणा ने, इह दोने अलग अलग किरणा ने गियां ते इहदे विच इहदा नाम रखांगे आपां ए बी ते निशान लगावांगे इदां, क्यों ए भी देख लो हुण ए तो पॉइंट इहदा फिक्स है ना, तां आपां इत्थे फिक्स करके इहदे उपर ए ही लिखांगे ते तीर किहदे वल है बी वल है कि बी तो आपां जिन्नी मर्जी वधा सकदे आ तां बी आ तीर वल दे उपर लिखा जाएगा, पर इस नूं तुसीं उल्टा नहीं कर सकते जिवें रेखा खंड ते रेखा दे विच आपां उल्टा कर दिंदे सी ना, ए ए बी नूं बी ए लिखता, इहदे विच आपां नहीं कर सकते, तुसीं इहनूं इदां ही लिख सकदे बी ए इदां ही हो जाऊगा। इहदा तां मतलब इह हो जाऊगा कि बी पॉइंट फिक्स है, पर इत्थे तां आपां फिक्स दित्ता नहीं होया ना, मैं ए वाली किरण की गल कर रही हाँ ठीक है, इस वाली दी नहीं ए दी, हुण बी पॉइंट का फिक्स है नहीं तां इह आपणा गलत हो जाऊगा, जिहड़ा फिक्स पॉइंट है उहनूं इहदे उपर लिखना है बिंदू दे उपर जिथे तीर दा निशान हैगा ओह जिहदे वल आपां वधा सकदे उह लिखना, ए बी नूं आपां बी ए नहीं लिख सकते किरण विच। ठीक है, उसे तरह ए वाली किरण आ गई, हुण ए दा नाम आपां की लिखांगे बी ए, हुण देखो इत्थे पॉइंट फिक्स है तां उहदे पॉइंट फिक्स है इहदे उपर बी आ गया, इधरों आपां वधा सकते हैं ए वल नूं वधा सकते हैं तां तीर इधर नूं आ के उपर ए आ गया, हुण ए वाली किरण नूं तुसीं ए बी नहीं लिख सकते गलत हो जाना, इहदा तां मतलब इह हो सकदा है कि ए दा पॉइंट फिक्स हैगा पर बी वल आपां वधा सकते हैं, पर आपां नूं डायग्राम दे विच तां दित्ता होया कि बी पॉइंट फिक्स है ए वल आपां वधा सकते हैं, इस करके इहदा आ नाम गलत है। ठीक है बच्चो, हुण तुसीं देखिया रेखा खंड रेखा ते किरण विच की अंतर है, ते इस नूं चंगी तरह समझण लई मैं तुहानूं एग्जाम्पल दिंदी हां तिन्नां दे विच फर्क समझाउण लई। ठीक है बच्चो, इस धागे की मदद नाल मैं तुहानूं रेखा रेखाखंड ते किरण दे विच फर्क समझाऊंगी। देखो बच्चो हुण इह धागा तुसीं देख रहे हो, अगर तां मैं इहनूं हत्थां दे विच लै लवां इहदे एक मैं सिरा इहदा इस हत्थ च लै लिया एक सिरा इस हत्थ च फड़ लिया तां इहदे दोनों सिरे निश्चित हो गए ना कि मैनूं पता है इहदा एक सिरा इत्थे है ते एक सिरा इत्थे है ते इहनूं मैं माप भी सकदी हां। ठीक है, इहनां नूं आपां अग्गे फिक्स नहीं मतलब अग्गे नहीं वधा सकदे, मैं इत्थों फड़े हुए ने ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਖਾਖੰਡ। ਰੇਖਾਖੰਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸਿਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ
इथो पकड़ के ते दूसरा बंदा या फिर इनू इथे बंद इथे फिक्स करके अगे तक ले जाओ। एदा एक सिरा फिक्स हो गया ना, निश्चित हो गया भी आह एक सिरा हैगा, ते दूसरा सिरा मैं एंड तक ले जाऊंगा, जिथे मर्जी तक ले जाऊं, जिथे मर्जी जिथे खत्म हो जूगी होर धागा बनना, जिथे मर्जी तक ले जा, भी एदा कोई दूसरा सिरा है नहीं। जे दूसरे सिरे तो मैं जिन्नी मर्जी बढ़ा दा, पर एक सिरा ओहदा निश्चित है, दूसरा सिरा निश्चित नहीं हैगा। जितना मर्जी हो इस सिरे तो मैं बढ़ा सकती हाँ। तो यह किस चीज की एग्जाम्पल होगी, किरण की। किरण का एक सिरा निश्चित होंगे, अनिश्चित हो गया, तो दूसरा सिरा उसका निश्चित नहीं होता, उन्हें आप अनंत दूरी वाल ले जा सकते हैं। ठीक है बच्चे, हूँ आ जाओ बेटा रेखा वाल। ये धागा अगर मैं सारे खोल देव, सारा एंड तक खोल दा, तो यह कोई सिरा वैसे तो तुम कहो जी जो आप रील खोल देंगे या धागा सारा खोल देंगे वह कोई सिरा है ने, पर अगे अगे अपना जोड़ते जाइए अपन कुछ ना पता लगे भी कितों शुरू हो रहा है, कितने जाके खत्म होगा। यह कोई सिरा ना हो दोनों पास इधरों ना इधरों एंड तक आप ले जा सकते हो, अनंत दूरी वाल ले जा सकते हो, ये तो वह बन जाएगी रेखा। इदे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल होर दिनी हाँ बच्चे। मेरे हाथ में की है टॉर्च, तो देखो जो मैं टॉर्च चलाती तो इसकी रोशनी आसमान वाल जा रही है, आसमान वाल जा रही है। हो सकता है इसकी रोशनी तो कुछ हद तक दिखे, कुछ दूरी तक दिखे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वोरी रोशनी हैगी है उस दूरी तक खत्म होगी, ये अनंत वाल जा रही है। देखो रोशनी का एक सिरा मेरे हाथ में है कि रोशनी इतों शुरू हो रही है, पर यह दूसरा सिरा मैनू नहीं पता कि कितने तक जाएगा, अनंत वाल जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल होगी बेटा किरण की। बच्चे तुसी आसमान देखे ना, आसमान की कोई दूरी नहीं है, मतलब कोई लंबाई नहीं हैगी, माप नहीं सकते, कितों यह शुरू होंगे कितने यह खत्म होंगे आप नहीं पता, जी लंबाई है वह अनंत है, इसनों आप माप नहीं सकते, कोई यदि लंबाई निश्चित नहीं हैगी आसमान की। तो यह एग्जाम्पल होगी रेखा की। रेखा का आप देखा सी ना भी आप दोनों सिरे तो जिन्हें मर्जी तक वधा सकते हैं, इसकी कोई लंबाई निश्चित नहीं होंगी, जिन्ना मर्जी अनंत दूरी तक ले जा सकते हैं। तो आसमान की एग्जाम्पल रेखा की एग्जाम्पल होगी कि आसमान अनंत तक होंगे, इसका कोई शुरुआत नहीं होंगी, कोई एंड पॉइंट नहीं होंगे। बच्चे हूँ मैं अपने घर की लंबाई पता है, ठीक है, तुम्हें भी तुहे घर की लंबाई पता होगी, है ना। तो यह रेखा खंड हो गया, आपको पता है कि अपने घर का एक सिरा कितने है, दूसरा सिरा कितने है, यह रेखा खंड हो गया। या आप अपने कमरे तो लैके बाथरूम तक जाना हो, भी अपन पता है कि लंबाई है, बाथरूम तो लैके किचन तक जाना हो, भी अपन पता है कि रेखा, यह रेखा खंड हो गया जिसे अपन दोनों सिरे पता हो। हूँ एग्जाम्पल लो हवा की। हूँ हवा बेटा अपन कुछ नहीं पता होंगे भी कितों शुरू होके कितने तक जाएगी, किन्ने देशों जाएगी, किन्ने जिले जाएगी, किन्ने शहर तक जाएगी, कुछ नहीं पता होंगे। तो यह होगी रेखा जी हवा की एग्जाम्पल है। पर जिथे निश्चित होने अपने स्कूल मेरे घर तो लैके मैनू लौंगोवाल स्कूल तक की दूरी भी पता है, लंबाई पता है कि मेरे घर का एक सिरा लंबाई का एक सिरा तो मेरा घर हो गया, दूसरा सिरा लौंगोवाल अपना स्कूल हो गया कुड़िया वाला स्कूल, है ना। तो यह लंबाई निश्चित होगी, यह हो गया रेखा खंड। पर जे मैं अपने घर तो बिना सोचे समझे कितने तुरे जाना हो किन्ने दिन लग गए, मैं कोई मेरी निश्चित दूरी नहीं हैगी, मैं उत्थे तक जाना, मैं अनंत वाल जाई जावा, तो यह होगी किरण। क्योंकि मैं एक तो पता लग गया ना एक सिरा मेरा घर है, तो दूसरा सिरा मैं ये नहीं पता कि मैं कितने तक जाना, यह होगी किरण। ठीक है, उस तो बाद आसमान आप देखे, हवा देखिए, इन्हों का कोई शुरुआत पॉइंट नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है, यह हो गई रेखा। समझ गए कि इसकी कोई लंबाई निश्चित नहीं होगी, आप दोनों सिरों तो जिन्हें मर्जी दूरी तक बढ़ा सकते हैं, यह सिर्फ तीर बुक के नोटबुक के समझाने दर्शाने लगाए जाते हैं, क्योंकि यह कोई एंड तो है नहीं, तो तीर का मतलब यह हो सकता है जिन्ना मर्जी बढ़ा सकते हैं। अपनी बुक से नोटबुक तो निश्चित होंगी है कि किन्नी उन्होंने लंबाई है, पर आप बुक तो अगे भी बढ़ सकते हैं, नोटबुक के बाहर भी निकल सकते हैं, तो इस करके तीर की वरतों की जाती है, दोनों पासों बढ़ा सकते हैं। रेखाखंड के बेटा दो सिरे निश्चित होंगे ने, बिंदु निश्चित होंगे ने, अपन इस तो अगे नहीं बता सकते, यदि लंबाई निश्चित होंगी है यदि नहीं होंगी। उस तो बाद किरण का एक पॉइंट एक सिरा निश्चित होंगे, तो दूसरे सिरे वाल आप तीर दर्शाने, तीर का मतलब है कि उस सिरे तो आप उस लंबाई में जिथे मर्जी तक ले जा सकते हैं। बेटा मैं पूरी उम्मीद है कि अज तुम रेखा रेखाखंड किरण विचला अंतर समझ आ गया होगा। अज लिए इन्ना ही, धन्यवाद।